मज़ा आया मराठ बस्ती में आके, इतनी रॉकिंग ऑडियंस और कॉन्सेप्ट असलम शेख जी का और यहाँ के जितने हेल्पर्स हैं बहुत ही अच्छा जमाया सबने और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा। ऑडियंस ही अच्छी होती तो एक एनर्जी ऐसे ही आ जाती है, और मुंबई की ऑडियंस और मलाड की ऑडियंस का तो जवाब ही नहीं। ममता ने भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, आप लोगों ने देखा होगा। और ये बहुत ही कॉज अच्छा है माल न्यूट्रिशन के लिए, बच्चों के लिए, जो कि असलम शेख जी हमारे यहाँ के MLA जो हैं जिस पर बहुत सिंसियरली काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं और ममता हमेशा उनके साथ हैं, कोई अच्छा कॉज होगा तो, जैसे कि ये अच्छा कॉज है और बहुत ही मज़ा आया जी। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। पहली बात तो ये सुनकर जब मुझे ललित सर ने बताया कि भाई ये इतने अच्छे कॉज के लिए ये फंक्शन हो रहा है, माल न्यूट्रिशन से जो प्रभावित पीड़ित बच्चे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये मलाड मस्ती प्रोग्राम रखा जाता है, तो वो सुन के ही दिल इतना अच्छा हुआ कि किसी अच्छे कॉज से हम जुड़ रहे हैं। सेकेंड चीज़, असलम जी ने जो ये इनिशिएटिव उठाया, इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, हम लोग इतना बिजी रहते हैं, सर कितना बिजी रहते होंगे असलम जी, तो 60,000 crowd सी, सो मतलब इट्स अमेजिंग कि मतलब इतना बिजी होने के बावजूद वो दूसरों के बारे में सोचते हैं और इतना अच्छा सोचते हैं कि आर्टिस्ट और लोगों को ज्वाइन करके इतना अच्छा मैसेज सब लोगों तक पहुंचाए, तो ये इनिशिएटिव असलम जी का बहुत ही काबिल तारीफ लगता है। ऐसे ही जैसे हमारे असलम शेख जी हैं, ऐसे ही लोग हमारे गवर्नमेंट में आना चाहिए जो कि मेहनत करें लोगों के लिए और उनका उनके लिए काम करें, उनके भले के लिए काम करें, ऐसा सब लोग नहीं करते। जैसा बिल्कुल अफकोर्स लोग आके यहाँ प्रमोट कर सकते हैं, लोगों से बहुत अच्छा कनेक्शन होता है यहाँ आके, आर्टिस्टों के लिए भी अच्छा है और ऑडियंस के लिए भी अच्छा है क्योंकि कोई टिकट्स नहीं है। थैंक यू। Alright, so basically it's a great thing to be here at Malad Masti, for me particularly because I'm a Malad ka munda and I live so close by that every Sunday I listen to the show and early in the morning and I wonder that Saturday night ke baad itna zyada shor kaun macha raha hai and I've never been here but this is the first time and I'm amazed itni tadad mein itne sare log ek saath dekhkar in the back roads of Malad, I think it is another level. Malad has really evolved and this is a great opportunity for everybody to come together. I believe there are more than 50,000 people on the streets of Malad right now, just the back street of Malad right now at Malad Mast. Yes, so you know, first I would really like to congratulate the organizers, to Aslam Bhai for you know, I mean, it's an amazing event, and hats off to him for organizing it. I can see the crowd, they are so excited to be here and subah subah aaye sab, you know they had to wake up early and come here, but the sheer excitement that I saw, I like first thing for me in the morning, they made me so happy, so I'm delighted to be here. And you know, the cause, the malnutrition, it's time we all have to do something for other people and we have to take up a cause. Each one of us should take up a cause and do something, you know, through talent and, you know, basically, so and I'd like to add one more thing. Yeah. Talking about malnutrition, I think in a place like Mumbai or in any metro city, what we really suffer, the youth or the kids suffer from malnutrition and particularly vitamin D. I think this is a great time to come and meet the sun early in the morning and have some vitamin D in your body. How about that? That's lovely. Yeah. Thank you so much. ऑल द बेस्ट। जनता, एक आम जनता जो इनको फेस टू फेस देख नहीं पाती, खाली अवार्ड्स में देखती हैं, तो ऐसे कलाकारों से रिक्वेस्ट करके हम इनको ला रहे हैं यहाँ पे। और मलाड मस्ती जो हमने पहले साल 25,000 शुरू की थी, आज 70-80,000 तक का क्राउड पहुँच चुका है। तो बस यही एक कॉन्सेप्ट था कि पूरे जो हमारे महाराष्ट्र और मुंबई के जो लोग हैं, इन तमाम जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ, उनको सामने देख सके, उनको फील कर सके। मैं अहमदाबाद से आ रहा हूँ तो मुझे लग रहा था मैं सारी रात एक मिनट भी नहीं सोया था, सुबह सुबह की फ़्लाइट थी, लेट हो गई, तो मुझे लग रहा था कि आवाज़ निकलनी नहीं, पर एकदम जब क्राउड को देखा, एकदम उनका उत्साह जो देखा, मतलब एप्रिसिएशन देखी, तो आपने देखा ही फिर मज़ा आ रहा था। मतलब मेरा वो उसमें कुछ नहीं होता, हमारी गुरबानी में कहते हैं कि जो कि 613, मेरा मुझ में कुछ नहीं, क्योंकि 613। मगर मैं असलम भाजी आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे आप एक्टिविटीज़ चला रहे हो ना, हम आपको किडनेप करके ना पंजाब में ले जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की पंजाब में बहुत ज़रूरत है जो यूथ को
کو ایک نئی ڈائریکشن دے سکے, یوتھ کو ایکچولی بزی کر سکے کہ وہ نشے نہ کریں. اور یہ دیکھا آپ نے کہ اگر کوئی نشہ کرے تو اتنا ٹائم ناچ ہی نہ پائے, مطلب پونا گھنٹہ کیسے پاگلوں کی طرح ناچ رہے تھے اور پوری مستی کر رہے تھے. سو بہت اچھا انیشیٹو ہے, بہت سارے لوگوں کو, بہت سارے جو پولیٹیشین ہیں ان کو بھی اس سے شکشا لینی چاہیے کہ ایسے ہمیں ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے. میں سب سے پہلے تو میں اسلم شیخ جی کا اور پوری ملاڈ مستی آرگنائزیشن ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا اور یہاں پہ جو پرفارمنس میں نے دیا, جو کراؤڈ یہاں پہ تھا اتنا اچھا تھا کہ پرفارم کر کے مجھے بہت ہی مزہ آیا. اور یہاں کا کراؤڈ اتنا انتھو تھا کہ بھلے میں نے 15 منٹ پرفارم کیا لیکن اٹ واز امیزنگ اینڈ بہت ہی مزہ آیا. تھینک یو. 50,000 لوگوں کا کراؤڈ ہے, مال نیوٹریشن وہ سپورٹ کر رہے ہیں, اس کاز کے لیے یہ آرگنائزیشن پورا یہ ایونٹ ہوتا ہے. بہت ہی اچھا کاز ہے اور میں چاہوں گا جتنے بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں, جتنے بھی آرٹسٹ یہاں پہ آتے ہیں, زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پہ آئے, زیادہ سے زیادہ آرٹسٹ یہاں پہ آئے اور اس کاز کو سپورٹ کرے, ہمارے اسلم جی کو سپورٹ کرے, ملاڈ مستی کو سپورٹ کرے.